बहू, वो मैं कह रही थी तू अपने मायके गई थी, इस बार कोई साड़ी वाड़ी मिली है या फिर खाली हाथ ही आ गई है तू? दी है ना, मेरी माँ ने मुझे बहुत सुंदर साड़ी दी है, वो मैं अपने मामा के बेटे की शादी में पहनूंगी। अच्छा, तो जरा मुझे भी दिखाना कैसी साड़ी दिया है तेरी माँ ने तुझे। ठीक है माँ जी, अभी लेके आई। ठीक है, ये लीजिए, बहुत प्यारी साड़ी है ना। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है बहू, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी माँ की। लेकिन ये बेटा, तुझ पे अच्छी नहीं लगेगी साड़ी, वो क्या है ना, मेरी नेहा बिटिया पे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और मैं सोच रही हूँ ना, ये साड़ी मैं अपनी नेहा बिटिया को दे दूँ। ठीक है बेटा, तू अभी जा। और हाँ, एक कप मुझे चाय बना देना, वो क्या है ना, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा। ठीक है माँ जी, अभी लेके आऊंगी। ये साड़ी तो मैं अपनी नेहा बिटिया को ही दूंगी, पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी मेरी बेटी। देखो, मैं सास बहू के मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, जाओ तुम बोले, मैं नहीं बोल सकता यार। देखो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है, तो तुम जाके बोले मेरा मूड यहाँ पे खराब है। बोला ना जाओ। अरे राकेश बेटा, नेहा तो साड़ी दे दिया था। हाँ माँ, दे दिया साड़ी। ठीक है, अभी फोन करके पूछ लेती हूँ मेरी बिटिया ने वो साड़ी पहना कि नहीं पहना। हेलो नेहा बिटिया, वो जो साड़ी तुझे भिजवाई थी, वो साड़ी तूने पहना कि नहीं पहना? नहीं माँ, वो साड़ी तो मेरी सास ने मेरी ननद को उठा के दे दिया। क्या, तेरी सास ने वो साड़ी उठा के अपनी बेटी को दे दिया? अरे वो सास ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ तो सही किया है ना माँ, जैसे तुम अपनी बेटी को उठा के दे दी हो, अगर उसकी सास अपनी बेटी को उठा के दे दी, इसमें क्या बुराई है? माँ जी, अब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर अपनी बेटी पे आई तो आपको बुरा लग रहा है? मेरी भी माँ ने वो साड़ी मुझे बहुत प्यार से दी थी, जो आपने अपनी बेटी को दे दी। बेटा तूने सही कहा, मैं बहू के साथ जैसा की वैसे ही मेरे बेटी के साथ हुआ। बहू मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद तेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे तू अपनी माँ समझ के। कोई बात नहीं माँ जी, आपने मुझे इतना समझा, मेरे लिए वही काफी।